हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज जो है हम यूपीबीसी, सीपीबीसी और पीबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक मैं मोल्ड डिजाइन कर रहा था, तो इसके ऊपर जो है पीबीसी की जो आपकी आती है ना फिटिंग वगैरह है, तो उसकी मैं डिजाइन कर रहा था। तो मैं आपको सोच रहा था जो पीबीसी की जो कंपोनेंट होती है, यूपीबीसी कहाँ यूज होती है, सीपीबीसी कहाँ होता है, पीबीसी कहाँ यूज होता है, क्या स्टिंकेज वगैरह लेना सही है, तो हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई मोल्ड डिजाइन नहीं सिखाने वाला हूँ, इसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्या होता है, किसमें कहाँ पे यूज करते हैं, क्या क्या होती है, फिटिंग कैसा होती है, तो हम उस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करेंगे यूपीवीसी, तो यूपीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है अनप्लास्टिसाइड प्रोलिफेरेंट क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे अनप्लास्टिसाइड क्या होता है, मतलब यहाँ पे हम जो है कोई प्लास्टिसाइजर यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिसाइजर यूज नहीं करते, मतलब आपको जानना पड़ेगा प्लास्टिसाइजर क्या है। तो प्लास्टिसाइजर होता है क्या है, जहाँ पे हम क्यों यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर यूज करने से क्या होता है, जो इसकी प्लास्टिसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो अनप्लास्टिसाइज है, तो यहाँ पे क्या, जो आपकी जो पाइप होंगे, जो भी होगा यूपीबीसी का, वो आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे पहली बार, ठीक है। ये क्या करता है, जो प्लास्टिक अगर अगर यूज करते हो आप, तो इसमें क्या करते हैं, आपका जो ब्रिटिलनेस है ना वो रिड्यूस कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ब्रिटिल भी रहेगा, जहां पे यूपीबीसी की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी प्लास्टिसाइजर देखो, एक तो इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं आपका जो प्लास्टिसाइजर होता है उसका नाम क्या होती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एडिपेट, पेट्राइन, बेंजोट, ये सब जो है प्लास्टिसाइजर है, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं मार्केट में आजकल, ठीक है। तो ये जब भी आप इसकी प्रोसेसिंग करते हो, तो यहाँ पे प्लास्टिसाइजर वगैरह यूज करते हैं। तो सेकंड चीज आती है इसकी कलर में, देख आप देख ही रहे हो, जो भी यूपीबीसी होती है आपकी होती है व्हाइट कलर में होती है, ठीक है ना। तो ज्यादातर व्हाइट कलर में होती है, और जैसे आप इसमें प्लास्टिसाइजर वगैरह ऐड करते हो, तो इसमें क्या थोड़ा सा कलर, वो बात करेंगे आगे हम, जो हम लोग का सीबीबीसी है उसमें हम बात करेंगे क्या होता है, क्यों कलर चेंज होता है, इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या होगा, रिजिड होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल तो होगा नहीं, क्योंकि हमने कोई इसमें प्लास्टिसाइजर वगैरह ऐड नहीं किया है। थर्ड इसके हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, बिल्डिंग वगैरह में यूज करते हैं, जहाँ पे पाइप वगैरह होती है, वाटर सप्लाई में, ड्रेनेज वगैरह में यूज करते हैं, जहाँ पे केमिकल प्रोसेसिंग होता है वहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे केमिकल पाइप वगैरह होती है, जहाँ पे कोई रिएक्शन वगैरह ना हो, उस जगह में हम यूपीबीसी यूज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा प्राइस कम भी होता है सीपीबीसी से। इसकी अगर मैं एक एडवांटेज की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी जो है ना, हम जो फ्लो होती है, तो मिनिमल फ्लो लॉस, इसमें फ्लो लॉस बहुत ही कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो होती है आपकी लेस रेजिस्टेंट टू फ्लो देन द कन्वेंशनल पाइप, क्योंकि यहाँ पे जो जो रेजिस्टेंट प्रोड्यूस होता है ना वो आपकी सबसे कम होता है इस पाइप में, ठीक है। तो इसलिए कॉमनली हम लोग जो होते हैं ना विंडो डोर वगैरह होती है ना, डोर विंडो फ्रेम वगैरह में यूवी यूज करते हैं यूपीबीसी। तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है यूपीबीसी का। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सीपीबीसी के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो सीपीबीसी पाइप होती है थोड़ा सा जो है आपके योलिस कलर में मिलेंगे। जो सीपीबीसी पाइप होती है, जो सीपीबीसी होती है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है आपकी क्लोरोनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक अलग सा प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं इसमें, जिसकी वजह से अपना जो है प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बट जो ब्रिटिलनेस होती है वो कम हो जाती है। अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें जो आपका योलिस कलर आता है, जैसे आपकी थोड़ा येलो येलो सा कलर मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इसकी आने की रीजन क्या है, इसमें हम जो एक्स्ट्रा जो है क्लोरिनेशन यूज करते हैं, जिसकी वजह से इसके जो कलर होता है थोड़ा येलो सा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो हम इसमें प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एपिडेट होगी आपकी, बेंजोट होगी, इस तरीके से हम जो इसमें प्लास्टिसाइजर वगैरह ऐड करते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो हम यूज करते हैं ड्रिंकेबल जो वाटर ट्रांसमिशन होती है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, बाथरूम वायरिंग वगैरह में यूज करते हैं। और ये जो टेम्परेचर होता है, जैसे बाथरूम में अगर आपका डीजल वगैरह लगाते हो, ये 90 से लेके 93, 94 डिग्री टेम्परेचर जो है सस्टेन कर लेता है। तो इसका एक एडवांटेज भी बोल सकते हो आपकी। इसमें हम बेसिकली एक, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक रीजन वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पे हम रेजिन वगैरह यूज करते हैं, सिंथेटिक रेजिन वगैरह हम इसमें यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसमें और एक आपकी एडवांटेज है, जिसमें हम लोग कोल्ड क्लाइमेट होती है, इट्स एक्ट एज ए इंसुलेटर, आपका एज ए इंसुलेटर काम करते हैं, जो क्या करते हैं, कोल्ड वाटर को कंडेंसेशन होने से, मतलब जो फॉर्मिंग कंडेंसेशन फॉर्मिंग होता है ना, उसमें क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। तो अगर टेम्परेचर कम हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करता है, फॉर्मिंग कंडेंसेशन में ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इसका एक फायदा भी है, तो इसीलिए इसको जो है कोल्ड और हॉट दोनों वेदर में इसको यूज करते हैं। तो इसका एक जो सीबीबीसी है, इसका एक फायदा भी है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग सा फिटिंग है, तो सारा फिटिंग अलग अलग के काम में यूज करते हैं, कौन सा क्या फिटिंग सही है। इसके लिए अगर आपको वीडियो सही है, मैं अलग से वीडियो बना लूंगा, आप कमेंट भी पूछिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना लूंगा।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोल्डिंग वगैरह करते हैं इसकी, जैसे कि आप एल्बो देख रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से एल्बो होती है, इसकी हम मोल्डिंग करते हैं। आप इस जो एलिमेंट होती है ये आपकी देख रही है स्टील का, जो भी एलिमेंट होती है इसको हम कैसे फिटिंग करते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, इसका एक मैं मोल्ड बनाऊंगा। ठीक है, अभी मेरा काम हो रहा है तो इसके ऊपर एक मोल्ड बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं पीवीसी पाइप के ऊपर। जैसे आपको पता है पीवीसी मतलब क्या होते हैं, जो इसके फुल फॉर्म होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो बेसिकली लोग जो है आजकल मार्केट में ज्यादा पीवीसी यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप जीआई या एसएस के पाइप यूज करते हैं वहां पे थोड़ा महंगा भी करता है, कॉस्टली भी करता है, और जहां पे अगर आप पीवीसी वगैरह यूज करते हो है ना, उस केस में आपको कहीं ना कहीं कुछ प्राइस रिड्यूसिंग वगैरह होती है और इजी टू कन्वेंस होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करूं, यहाँ पे C2H3 और Cl यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे लगाते हैं, आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हो क्या क्या इसमें जो केमिकल फॉर्मूला होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अगर मैं पीवीसी की मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करूँ, ये 100 डिग्री से लेकर 260 डिग्री तक ये इसकी मेल्टिंग टेम्परेचर रहता है। अगर इसकी मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूँ तो ये 0.9 किलो जूल पर केजी इनटू केल्विन, तो ये इसकी जो है स्पेसिफिक ही होती है। ज्यादातर ये जो हम लोग पीवीसी पाइप अगर एप्लीकेशन की बात करो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो रेन वाटर होती है, जहाँ पे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं वहां पे हम पीवीसी यूज करते हैं, तो वहां पे ड्रेन वेस्टेज वगैरह करती है वहां पे करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको जहाँ पे पीवीसी वगैरह यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम जो है कलर भी एडिट कर सकते हैं, जो पीवीसी होती है उसमें हम लोग कलर भी एडिट कर सकते हैं, और इसकी पाइप का अलग अलग होती है। ठीक है ना, आपको अलग अलग पाइप के अलग अलग स्टैंडर्ड मिलते हैं, कितना वाइट वगैरह होती है इसके अलग से कोडेड होता है, अलग से स्टैंडर्ड होता है। अगर आपको नहीं पता वो मैं डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। अगर इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं, जैसे कि 20 mm की होती है 25, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, अलग अलग का आता है। अगर 2.8 किलो की बात करूँ, 2.8 से 3 किलो की बात में आती है 6 केजी वाली पाइप के ऊपर। फिर अगर 3.8 से 4.5 आता है 2.5 इंच वाली जो होती है 6 केजी वाली, उसकी अलग से साइज होता है। तो सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड होती है। ठीक है ना, जो आप किसी पाइप में आप देखना वहाँ पे लिखा होती है, तो ये जो होता है अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। अगर इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो चाहिए मैं वीडियो बना लूंगा, वहां से वहां पे आप जाके देख सकते हो, वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट था आपकी, जो यूपीबीसी क्या होता है, सीबीबीसी क्या होता है, जी पाइप जी आई पाइप क्या होता है, एसएसकी पाइप में क्या होती है, पीबीसी में क्या होती है। तो ये बेसिक कंपैरिजन था। यहाँ पे आपको आई गेस कुछ जो डाउट वगैरह है उसमें क्लियर हो गया होगा।